कहाँ रह गए थे आप? ये कोई वक्त है? इतना लेट, मैं तो एकदम घबरा गई थी। नहीं, गोदी नहीं, गोदी नहीं, गोदी नहीं। लेट मी प्रेजेंट टू यू अ सुपर रॉकिंग कॉमेडियन। वैसे तो ये मुंबई से आए हैं, बट ही इज द बिहारी बॉय नेक्स्ट डोर। और इनके बारे में मैं क्या बोलूं, और एक बार जोरदार तालियां फॉर प्रियेश सिन्हा। मैं डॉक्टर्स की वैसे तो बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि हर कोई कहते रहता है कि हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, लेकिन ये डॉक्टर्स ही हैं जो बताते हैं कि इनके घर वालों को बता दें इनका टाइम आ गया। मैं भी डॉक्टर निकिता मैम डॉक्टर ही बनना चाहता था। मुझे लगता था ये बड़ा आसान काम है करना। क्या सफ़ेद कोट डाला, एक पेशेंट को लेके कमरे के अंदर गए, जाके अंदर से एक बल्ब जला दिया, बाहर लाल बत्ती जल गई, आधे घंटे के बाद बल्ब बंद कर दिया और बाहर आके बोले सॉरी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। वो मरीज को तब तक दवाई देते रहते हैं बदल बदल के जब तक मरीज ठीक ना हो जाए। ट्राई करते हैं, सारा एक्सपेरिमेंट उसी पे करते हैं। कुछ बीमारियों की वजह से लोगों की शादी में भी कई बार दिक्कत होती है, लेट होता है, पर मैं आमतौर पर ऐसे देख रहा हूँ कि लोगों की शादियाँ ऐसे भी लेट हो रही हैं, लोग कर नहीं रहे। उसके पीछे वजह बहुत है। कुछ लोगों को सही रेट नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को 10-10 ब्रेकअप के बाद सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल रहे हैं। हस्बैंड सोचते हैं कि यार ऐसी कोई पत्नी मिले जो हो तो मिस वर्ल्ड, लेकिन जब काम करने पाए तो शांता बाई को फेल कर दे। और लड़कियां सोचती हैं कि यार ऐसा मर्द मिले, ऐसा हस्बैंड मिले जो कमाता तो एकदम अंबानी की तरह हो, लेकिन चुप मनमोहन सिंह की तरह हो। तो ये है, ये अब इस तरह की शर्तें रख लेते हैं आपस में, कपल शर्तें रख लेते हैं आपस में कि देखो कुछ दिन हम साथ में मिलकर रहेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो शादी कर लेंगे, और गलती हो गई तो फिर अलग हो जाएंगे। फिर बंदी पूछती अच्छा फिर गलती किसके साथ रहेगी? तो ये चीजें होती हैं, इस वजह से शादियां नहीं हो रही। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास सिर्फ एक महीना बचा है शादी की एज एक्सपायर होने में, इनकी शादी नहीं हो रही, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे लिखा हुआ है अपने प्रोफाइल में, आई एम एयर डिफ्यूजन फिक्स मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। सीधा नहीं बताते कि दो गली छोड़कर पंचर बनाते हैं। एक ने तो यही झूठ बोल के शादी कर ली, जी आई एम ए मेटलर्जिकल एमिग्रेशन इंजीनियर। बाद में ससुर ने देखा, ओ लड़का तो वेल्डर है। तो ये झूठ चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, लड़कों के साथ भी धोखा होता है। 36 के 36 गाय के गुण बताकर उसको शेरनी थमा देते हैं। अब बंदा सोच के बैठा है कि वो आएगी कहेगी कहाँ रह गए थे आप, ये कोई वक्त है? इतना लेट, मैं तो एकदम घबरा गई थी। प्लीज गोदी नहीं, गोदी नहीं, गोदी नहीं, प्लीज खाना खा लीजिए, हाथ मुंह धोइए, खाना खा लीजिए। पर होता क्या है, कहाँ रह गए थे? ये कोई वक्त आने का? घर है ये तुम्हारा, होटल नहीं है क्या? खाना अभी सुबह तो खा के गए थे। जब देखो खाना खाना, गोदी नहीं, नीचे रखो, बीवी हो तुम्हारी, कोई गैस सिलेंडर नहीं। तो बेचारा घबरा जाता है, वो मुश्किल हो जाती है उसे, संभाले कैसे इस बात को। लेकिन मैं देखा हूं लड़कियां शादी जब होती है उनकी तो उनकी ट्रेनिंग हुई रहती है। निकिता मैम, वो उनकी माँ उनकी बहनें लड़कियों को ट्रेन करके भेजती हैं। ससुराल जा रही हो, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाएंगे तुम्हारे साथ। फोन रखो, मर चुपर चुपर के बात करते रहती है। शादी तय हो गई, आप जाना तो बतियाना, सुनो जरूरी बात समझा रही हूं। एक दो दिन ऐसा खाना बनाना, खुद ही कहें बहू तुम रहने दो, तुम अभी सीखो, हम लोग बना लेंगे, तुम अभी सीखो। और बेड से उठना मत, हफ्ते में 2 दिन बेड पर पड़े रहना, उठना मत, सर में दर्द होना चाहिए, वरना सारा निर्जला व्रत, छठ पूजा, सारा घर का पूजा पर सब तुम्ही से कराएंगे। तो वो पूरी तरह से तैयार होकर आती है। जब वो लुटिया होता है ना, दुल्हन जब घर में पहली बार प्रवेश करती है तो लुटिया पे पांव पे लात मारती है, वो इतनी जोर से लुटिया पे लात मारती है कि घर का बाउंड्री पार करके लुटिया दूसरे घर चली जाती है।
ससुर समझ जाते हैं, सास समझ जाती है कि लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी बाई आई है, तो साइड हो लेती है। वही लड़का, वो बेचारा, उसको तो उसने सिर्फ शेरवानी सिलाई है, वो माँ बाप के भरोसे घूम रहा है। माँ बाप, यही माँ बाप मेरे को बच्चे में बचपन में लेके मेला जाके जाते थे, घोड़ी पे बैठाते थे, मजा आता था। यहाँ पे भी शेरवानी पहना के घोड़ी पे बैठाया, मजा आएगा। उसे क्या मालूम उसका फट के फालूदा हो जाना है, कुछ आइडिया नहीं उसे। बस उसके कुछ दोस्त होते हैं, आके बताते हैं फर्स्ट नाइट में क्या करना है। भाई फर्स्ट नाइट है, यही मौका है, फुल इंप्रेशन डाल दे, दारू का बोतल लेके जा। दारू का बोतल? पर मैं तो पीता नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूं लेके जा। देखते ही वो भड़केगी, गुस्सा होगी, नाराज होगी, ज्ञान देगी। सब सुन के सर पे हाथ रख के बोल कि तुम्हें नहीं पसंद ना, तो तुम्हारे लिए आज से छोड़ दिया। ये जो सेक्रीफाइस देखेगी ना, तेरे चरणों में गिर जाएगी, फिर जिंदगी भर नचा अपनी उंगली पे। बंदा को आइडिया अच्छा लगा, वो लेके चला गया, पर उसे नहीं मालूम कि दुल्हन आज की बोतल देख के बोलती है, सुनिए मेरे में सोडा थोड़ा कम डालिएगा। और ये गर्मी के दिन में आप ब्रांडी लेके चले आए हैं, ये कोई नया नया पीना सीखा है क्या आपने? बारात का खाना खा के पेट खराब है, देखिए कोई बियर वियर मिल जाए तो स्ट्रांग खींचे। तो दूल्हे की ट्रेनिंग होती है शादी के बाद। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है, बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि शादी लेट हो रही है ठीक है, पर इतनी लेट ना हो कि दुल्हन के हाथ से ज़्यादा दूल्हे के सर पे मेहंदी लगानी पड़े। कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंजॉय किया हो आप लोगों ने। पर जाने से पहले निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, कोई भी इवेंट, हम इवेंट्स में ही जाते रहते हैं, इवेंट्स में ही घूमते रहते हैं, बट कोई इवेंट अगर किसी मकसद के साथ किया जाए तो वो इवेंट बहुत ज़्यादा यथार्थ हो जाता है और एक लंबे समय तक यादगार भी हो जाता है। और ये इवेंट बिल्कुल वैसा ही था, जहाँ मैं पहली बार देख रहा था कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशन का एक इस तरह का भी कोई एक डायमेंशन हो सकता है, इस तरह का भी कोई रूप हो सकता है, जहाँ ना सिर्फ उसको फिजिकली ठीक किया जा रहा है, उसको मेंटली भी ठीक किया जा रहा है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। और इसकी बातें की जाए वो कम होगा। तो मैं बस दो शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर निकिता मैम और ML परिवार, ये आप कमाल कमाल बेमिसाल काम कर रहे हैं। एक बार भरपूर तालियों में आप इन्हें ये हौसला दें, इन्हें शुभकामनाएँ दें और इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि इनके फिट रहने से पीछे हजारों परिवार के बच्चे फिट रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज माई टाइम प्रियेश सिन्हा, थैंक यू।